नमस्कार, मैं हूं अमित जायसवाल और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे अब से कुछ देर पहले प्रेस से मुखातिब थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार पुलिस के अंदर माफियागिरी नहीं चलेगी। आप उनकी पूरी बातों को सुनिए कि डीजीपी क्या कह रहे हैं। सरकार का संकल्प है, ये सरकार का संकल्प है, सुशासन का संकल्प है और सरकार के संकल्प के अनुसार ही ये कार्रवाई हुई है। तो सरकार का जो संकल्प होगा उसको लागू करने के हम लोग भी संकल्पित हैं और एक दो फेसबुक पर पोस्ट भी कुछ इंस्पेक्टर कर रहे होंगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ सुन भी रहे होंगे कि वो दावा कर रहे हैं कि हम बहुत भले अच्छे हैं, तो पुलिस मुख्यालय उसकी जांच कर रहा है। ये जो सामने बैठे हैं ये विशेष शाखा के भी चीफ हैं स्टेट के और आर्थिक अपराध इकाई के भी चीफ हैं, तो कितने पाक साफ हैं तो उसकी भी जांच हो जाएगी। कोई भेदभाव नहीं, सरकार की नियत किसी को परेशान करने की नहीं है, न पुलिस मुख्यालय। हम कहते हैं हम तो एक सिपाही की इज्जत करते हैं, सब इंस्पेक्टर की इज्जत करते हैं। थानेदार नहीं रहेगा तो ये पुलिस मुख्यालय भी नहीं रहेगा और ये तंत्र नहीं रहेगा। हमें अपने थानेदारों पर गर्व है, अपने डीएसपी पर, अपने थानेदार पर, अपने सिपाही पर, अपने हौलदार पर। उन्हीं की उपलब्धि हमारी उपलब्धि है, वो काम करते हैं तो हमारा नाम होता है, वो काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। हम तो यहाँ बैठ करके उन्हीं से काम करवाते हैं। हमारे सिपाही हैं, हमारे हौलदार हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, हमारे इंस्पेक्टर हैं, हमारे डीएसपी हैं, हमारे एसपी हैं, यही काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो यहाँ बैठ करके केवल नीति निर्धारण करते हैं, काम तो वही करते हैं, लेकिन उसमें कुछ उल्टा जो काम करने वाले हैं उनको चिन्हित तो करना पड़ेगा और सरकार के आदेश पर ये चिन्हित हुए हैं। तो सरकार ने ये संकल्प लिया कि जो दागी हैं उनको अभी हम मेन स्ट्रीम में नहीं रखेंगे, तो सरकार के संकल्प हम लागू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दागी नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन दे मुख्यालय को कि हम निर्दोष हैं, दोषी नहीं हैं, दागी नहीं हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे। हम तो कहते हैं एक सिपाही को ये छूट है, सब इंस्पेक्टर हो, थानेदार हो, इंस्पेक्टर हो, एक सिपाही को छूट है कि अगर उसके साथ किसी स्टेज पर अन्याय हुआ है, उसको गलत पनिशमेंट मिला है, एकदम सीधा मैं उसके लिए एक दिन का दिन निर्धारित करता हूं सप्ताह में, वो शुक्रवार है। शुक्रवार को आकर के सिपाही से लेकर थानेदार से लेकर इंस्पेक्टर तक कोई भी आकर के हमारे पास, हम रहेंगे या हमारे एडीजी हेडक्वार्टर रहेंगे या आईजी हेडक्वार्टर रहेंगे, एडीजी कोई हमारा एक सीनियर पदाधिकारी रहेगा, उसको अपना रिप्रेजेंटेशन दें, हम फिर से उसकी जांच कराएंगे। हम चाहते ही नहीं कि एक हमारा निर्दोष पुलिसकर्मी अगर दंडित होगा तो उसका मनोबल गिरेगा, तो हमारा मनोबल गिरता है। हम चाहते ही नहीं कि एक भी निर्दोष आदमी हो और गिरे। अभी हम सम्मान समारोह करने जा रहे हैं साहब, 300 लोगों को हमने, जैसे दागियों को 400 चिन्हित किया है वैसे हमने 400 पुलिसकर्मियों को भी चिन्हित किया है, उसमें सिपाही हैं, हौलदार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, जिन्होंने अत्यंत उत्कृष्ट काम किया है जिससे बिहार पुलिस का गौरव बढ़ा है। लेकिन जो दागी की संख्या ज्यादा है, सम्मानित करने वाले की संख्या आप कम बता रहे हैं। नहीं, कम नहीं बता रहे हैं, अच्छा काम करने वालों की संख्या ज्यादा है, अभी तो इक्विवेलेंट बता रहे हैं हम। अच्छा बहुत काम करने वाले लोग हैं जिनको हम अभी ये तो कार्रवाई अभी शुरू हो रही है इस तरह की कि अच्छा काम करने वाले लोगों को हम चिन्हित, अभी 400 लोगों को चिन्हित किया हमने और 400 लोगों को बुला रहे हैं, उसमें सिपाही से लेकर एसपी तक के लोग हैं, उनको सम्मानित करेंगे, उनको मेडल देंगे, उनको सलाम करेंगे। सिपाही को सलाम करते हुए डीजीपी को देखा है, डीजीपी सिपाही को सलाम करेगा, डीजीपी दरोगा को सलाम करेगा, डीजीपी इंस्पेक्टर को सलाम करेगा, डीजीपी डीएसपी को सलाम करेगा, अपने एसपी को सलाम करेगा, उसको गले लगाएगा, उसकी पीठ ठोकेगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब फोड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन होता है तो दर्द होता है, गलत माफियागिरी पुलिस में रहकर कोई करेगा तो इसको तो बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। कोई शराब बेचेगा, कोई शराब बेचवाएगा, कोई बालू बेचेगा, कोई बालू बेचवाएगा, कोई गरीब पब्लिक जाएगी उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करेगा और किसी तरह से निर्दोष आदमी को जेल में भेजेगा,
केस के अनुसंधान में गड़बड़ी करेगा, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। सुशासन की सरकार है ये। तो अब तक जो पूरे बिहार में हो रहा था, जिस तरह से पुलिस वालों की, जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रहे थे, तो आपको लगता है कि ये जो दागी पुलिस वाले थे इनकी वजह से हो रहा था? देखिए, ये हम कह रहे हैं सिस्टम है, ये सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। कुछ तो लोग गड़बड़ होंगे जिसके कारण इतनी बदनामी है, तो उनको चिन्हित करने का क्या तरीका हो सकता है? एक स्केल निर्धारित करना होगा, भाई जिसको 5 ब्लैक मार्क है वो दागी है, जिसको 4 ब्लैक मार्क है वो दागी है, जिसको 10 ब्लैक मार्क है वो दागी है, जिसको 15 बृहद सजा मिली है वो दागी है। एक स्केल निर्धारित करना होगा। ये सरकार ने स्केल निर्धारित किया और हमको बोला इसको लागू करो, तो हमने लागू किया। और ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए, अफसोस की बात है, बिहार पुलिस के लिए शर्म की बात है कि आज बिहार में पुलिस को जो स्वतंत्रता प्राप्त है काम करने की, कोई हमको कहे सिपाही से लेकर के SP IG तक कि किसी अपराधी के गर्दन पर हाथ डाले, कोई पॉलिटिकल पैरवी करने वाले आए हो, किसी डकैत को, चोर को, रंगदार को, क्रिमिनल को आप पकड़िए, कोई विधायक और कोई मंत्री कोई आपको पॉलिटिकल पैरवी करता है क्या कि ये चोर है इसको छोड़ दीजिए, क्रिमिनल है छोड़ दीजिए, और ये अपराधी है इसको छोड़ दीजिए? कोई नहीं करता। अगर कोई बोलता है तो झूठ बोलता है। इतनी स्वतंत्रता जिस राज्य में है, अब वो हम अब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो हमारी कमी है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। जितनी स्वतंत्रता आज बिहार में पुलिस को है, उतनी स्वतंत्रता मैं नहीं समझता कि देश के किसी राज्य की पुलिस को। पूरी तरह से अपराधियों को ध्वस्त किया जा सकता है अगर संकल्प से काम लें, और सबको एक साथ होना होगा, सिपाही को, हवलदार को, इंस्पेक्टर को, दरोगा को, खानदार को, हम टीम बना करके हम लोग चलना चाहते हैं। और हम मौका देते हैं कि जो लोग अपने को, जिनको दागी कहा गया, वो समझते हैं कि हम निर्दोष हैं, तो आराम से वो पिटीशन दें, उसकी फिर से दोबारा हम जांच करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, ये बिहार के बाहर भी ये फैल रहा है, मतलब तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। अब आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप सबको पता है, एक भी बिहार में अभी तक बच्चा चोर की घटना रिसेंटली कहीं कोई प्रकाश में नहीं आई। ये तो बहुत अच्छा है। कोई आपका दुश्मन है, कुछ नहीं करना है, आप उसको पकड़ करके भीड़ में लेकर चले जाइए और चिल्ला दीजिए कि बच्चा चोर है, भीड़ उसको पकड़ करके मार देगी। ये तो साजिश के तहत कोई बदमाशी कर रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज फैलाए जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि अब किस लिए, बिहार की जनता को जागना चाहिए, नौजवानों को जागना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जागना चाहिए, वार्ड के मेंबर हों, चाहे वार्ड पार्षद हों, चाहे मुखिया हों, सरपंच हों, जितने लोग हैं, केवल पुलिस कैसे रोक सकती है? ये तो मूर्खता है, पागलपन है, तो इसको पुलिस कैसे रोक सकती है? गांव गांव में, घर घर में पुलिस थोड़ी ही है। तो हमारा सहयोग करें, हम तो अपील बराबर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि कहीं कोई बच्चा चोर का जहां अफवाह फैले, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। कहां बच्चा चोर हुआ भाई, किसका बच्चा चोर हुआ? कुछ नहीं, बच्चा चोर है उसको पिटने लगते हैं, किसी भिखारी को पिटने लगते हैं, कोई अपरिचित व्यक्ति उसको पिटने लगते हैं। एक भी बच्चा चोरी नहीं हुआ, कई लोगों की जाने चली गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी सख्ती से केस कर रहे हैं, एक एक जगह से 20-20, 22-22, 25-25 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप मर्डर केस में जेल जाइएगा, तबाह होइएगा। तो सब लोगों को मिल करके इस अफवाह का काउंटर करना चाहिए। सर, अपराधियों का बेल कैंसिलेशन कराने को लेकर के भी टीम बनाई जा रही है, ये शुरू से हम लोगों की प्राथमिकता है। यहाँ आप देखिए, अनुसंधान को अलग किया गया, लाइन ऑर्डर अलग किया गया, पूरी तरह से इसको अलग करने का काम हुआ। सरकार का ही ये संकल्प था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार ये चाहती थी, ये हुआ। तो जो इनको विधि व्यवस्था का संधारण करना है, विधि व्यवस्था का संधारण करेंगे, और अनुसंधान का जो विंग है उसी का ये काम है, स्पीडी ट्रायल और बेल कैंसिलेशन। अपराधी अगर जेल में गया, जेल से फिर बेल करा करके आ गया, फिर अपराध करा रहा है, तो उसका बेल कैंसिलेशन होगा, उसके जमानतदार की भी जाँच होगी, कौन वकील है उसकी भी जांच होगी, बार बार वही वकील क्यों होते हैं, बार बार वही जमानतदार क्यों होते हैं, तो ये सबकी जांच होगी। अब ये तो अच्छा बहुत लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन संगठित अपराध को रोकना है तो ये करना तो पड़ेगा। जनसंख्या के हिसाब से पुलिस अनुपात कम है, उसको लेकर के चिंता। आप देखिए ना, उसी अनुपात को भरने के लिए तो अभी 24,000 सिपाहियों की बहाली हो रही है और 2,000 ड्राइवर की बहाली हो रही है, 4,500 दरोगा की बहाली हो रही है, प्रक्रिया इसी महीने के अगस्त के लास्ट
सप्ताह से शुरू हो रही है, दो चरणों में होगी और 20 बीतते बीतते 21 तक आते आते हम 22,500 करीब 24,000 सब इंस्पेक्टर का बहाल कर रहे हैं, 2,000 ड्राइवर की बहाली कर रहे हैं, 4,500 दरोगा की बहाली कर रहे हैं। सरकार इतने संसाधन फेंक रही है, गाड़ी हो, घर हो, महिलाओं के लिए थाना में शौचालय की व्यवस्था हो, हर थाने में वो अतिथि कक्ष बनाने की व्यवस्था, सरकार संसाधन पूरा दे रही है और बहाली भी हो रही है। डाटा देखिए, मौत लिंचिंग, अब मीडिया को कहीं कहीं मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर लिंचिंग शब्द का प्रयोग नहीं समझ पाते, जैसे कोई अपरिचित को पकड़ करके भीड़ ने पीट दिया उसको बोलते हैं वहाँ 5 आदमी की लिंचिंग हो गई। लिंचिंग उसको बोलते हैं जहाँ पीटते पीटते उसकी हत्या कर दी जाए, पीट दिया तो पिटाई हो गई, वो लिंचिंग नहीं हुई। तो इस तरह की घटनाएं हम समझते हैं कि 5-6 हो चुकी हैं बिहार। हाल ही में बिहार पुलिस मुख्यालय ने 386 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सर्किल इंस्पेक्टर को मिलाकर के 386 पुलिस अफसरों, दागी पुलिस अफसरों की पहचान की थी, जिनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है। अब डीजीपी करीब 400 पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें सिपाही से लेकर के SP तक के अधिकारी हैं जो काम करने वाले हैं। तो DGP ने साफ कर दिया है कि वो सरकार की नीति को ही लागू कर रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो काम करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जो काम नहीं करेंगे उन्हें सजा मिलेगी। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ। नमस्कार।